अस्सलाम वालेकुम यार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पायोनियर आपके बैंक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, मतलब अप्रूव नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, आपके बैंक डॉक्यूमेंट की वेरीफिकेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान के साथ देखते हैं, अगर आप इस वीडियो को के पार्ट को स्किप करके देखेंगे, फिर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि पायनियर आपके बैंक डॉक्यूमेंट अप्रूव करें। तो उससे पहले वीडियो शुरू हो जाए तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ वाले लगे बेल के आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। इससे यह होगा कि जब मैं कोई लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर दिया, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक जो टारगेट हम रखते हैं वो है सिर्फ 50, तो यार 50 लाइक कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से इसे वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पायोनियर आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है ना, वो उनका फ्रंट और बैक जो है ना कॉपी अपलोड करें। तो हो सकता है आपने अपना CNIC का फ्रंट इंग्लिश CNIC, क्योंकि उर्दू वहाँ पर अप्रूव नहीं होता, लेकिन आजकल जो CNIC बन रहे हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह CNIC वगैरह जो बन रहे हैं वो इंग्लिश में ही है, आपको वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने फ्रंट कॉपी भी अपने मोबाइल से पिक्चर स्क्रीन लेकर आपने अपलोड कर दी और बैक वाले भी, लेकिन उसके बाद जो आपको वो सेकेंड ऑप्शन देता है वो कहता है कि आप बैंक डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट करो। यहाँ पर मेन इशू आता है, मेरे तकरीबन 60 से 8 मरतबा मैंने अपलोड किया था और 8 मरतबा ही मेरा रिजेक्ट हुआ है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उनसे रब्ता किया डायरेक्ट कि यार क्या मसला हो रहा है, जब भी मैं अपलोड करता हूँ आप रिजेक्ट कर देते हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बैंक स्टेटमेंट की स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देते हैं, आप ऐसा ना करें, आप PDF फाइल में हमें सेंड करें। तो मुझे नहीं पता था कि PDF फाइल किस तरह से होती है, तो फिर मैं बैंक गया, बैंक वालों से कहा कि भाई पायोनियर बैंक के डॉक्यूमेंट कह रहा है। तो बैंक वालों ने मुझे डायरेक्ट कहा कि भाई हम अपनी प्राइवेट ये नहीं दे सकते, तो उन्होंने मुझ पर बिलीव नहीं किया और उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर मैं आया इंटरनेट पे, मेरा वैसे अगर देखा जाए तो मेरा अकाउंट ABL में है, अलाइड बैंक में मेरा अकाउंट है। तो मैं गया गूगल पे ABL.com पे, वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट मेरा ऑलरेडी था, तो मैंने जस्ट वहाँ पे साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मैंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे दी जाए, तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दी थी। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक ईमेल आई, क्योंकि जब आपका बैंक डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट होता है ना, जब आप पेमेंट लेते हैं मंथली बेसिस पे, तो वो हर मंथ के एंड में आपको ईमेल करते हैं। तो ईमेल में लिखा होता है कि आपने इतनी पेमेंट जो है ना वो सेंड की थी और इतनी पेमेंट आपने विदड्रॉ की थी, तो वो भी वो आपको PDF फाइल सेंड करते हैं। तो जस्ट मैंने वो देखा और उनको कहा, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनसे रब्ता कर रहा था, अगर आप पायोनियर से डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो जुमे और जो है ना जुमे हफ्ते और एतवार ये आप बंद होते हैं, उसके अलावा ये तकरीबन 5 दिन ऑनलाइन होते हैं, रात 1 बजे के बाद आप डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे PDF फाइल, मुझे ईमेल मिली थी, मैंने PDF फाइल उनको दी। उन्होंने कहा जी हाँ, यही चीज़ ही मांग रहे थे कि आप अपने ये बैंक के डॉक्यूमेंट दे दें PDF फाइल में, या आप अपना बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल वगैरह आप दे सकते हैं, तब हम आप जो है ना आपका अकाउंट अप्रूव करेंगे। तो मैंने जैसे ही PDF फाइल सेंड की उनके, उसके बाद जो ना मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया और मैंने पेमेंट जो है ना वो पायोनियर से ले ली। तो ये स्टेप हैं, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अकाउंट बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।